Hello students, how are you? Hope you all are fine there and safe at your home. So today we will going to learn our English book, semester 2, okay? Page number is 6. B, question number B. तो यहाँ पे हमें ये लिखना है कि ये जो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो किसने हमने स्टोरी पढ़ी थी, साधु, किंग और वो विलेजर वाली, तो उसमें से ही हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें लिखना है कि किसने किसने वो सेंटेंसेस बोले हैं. तो स्टूडेंट्स ये जो हमें सेंटेंसेस कुछ दिए गए हैं, जैसे कि तो ये जो सेंटेंसेस है वो किसने बोले है उसका ही हमें नाम लिखना है, ठीक है. तो मैंने तो आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरीके से समझाई भी थी और आशा करती हूँ कि आपने वो सुना भी होगा. तो आपको ये जो है ना वो अपने आप ही लिखना है. बस मैं आपको इस सारे जो है हमें सेंटेंसेस देगा उसके मीनिंग्स हम मैं आपको बता देती हूँ और आप लिखेंगे, ओके. He took out coins from his pocket. तो किसी ने है ना मैंने आपको भी याद होगा कि किसी ने अपने पॉकेट यानी जेब में से कॉइन्स निकाले थे. किसने निकाले थे वो कॉइन्स, किसने निकाले थे? तो यहाँ पे हमें आपको लिखना है He rushed to the sadhu. अब हम पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है. He rushed to the sadhu. He wanted to discuss the new road project. He produced coins and fruits from the air. He plucked the first hair from the sadhu's beard. He came from the Himalayas. He took away the sack. अब इसी तरीके से जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं हमें, और ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी है, आपको वर्ड्स ही लिखने. और यहाँ पे जो है ये हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है. अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है कि इसमें हमें बोला है कि आपको है ना इमेजिन करना है कि आप तेनाली रामन है, ठीक है. जैसे कि स्टोरी में तेनाली रामन कैसे बोल रहा था तो उसी हिसाब से आपको इमेजिन करना है और किंग को बोलना है कि क्या क्या हुआ था. तो आप सिंपल सी बातें से आप लिख ही सकते हैं यहाँ से. तो फिर तो यहाँ पे ना आपको इमेजिन करना है कि आप तेनाली रामन हैं और आपको यहाँ पे उसके आगे लिखना है कि मैं है ना कैंप में जा रहा था ना साधु के, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा. तो फिर आगे भी इसके लिखना है हमें. सिंपल सी बात है, आप पिक्चर से देख के ही लिख देंगे, इट्स वेरी इजी, ओके. तो देख मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है इसे. तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि तेनाली रामन साधु के कैंप में जा रहा था, वहाँ पे देखा. तो इससे अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपका जो है राइटिंग टेस्ट भी हो जाएगा और यहाँ पे इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं, यानी कि इसे हम एक तरीके से इंजॉयिंग करने वाली स्टोरी, यानी मजे वाली स्टोरी है. सो लेट्स रीड द स्टोरी, रीड एंड एन्जॉय, ओके. फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये दिया है. Three grey geese in the green grass grazing. Grey was the geese and green was the grass. Now second stanza. Swam over the sea. Swim. Well, swam. Now third stanza. Say this sharply. Say this 16 times. अब हमें इन सबको 16 times बोलना है. तो ये सब जो है ना, जैसे कि say this sharply, say this sweetly, तो आपको ये आपको enjoy करने का, इसमें मजा भी आएगी. तो इसी तरह से read the following passage. John is an acrobat. He works in the great global circus. तो John है ना वो एक जो जैसे सर्कस में कैसे लोग करते हैं वो है, ठीक है. John वो है, तो वो है ना ग्रेट ग्लोबल सर्कल में जो है ना काम करता है, ओके. ही प्रैक्टिसेस वेरी हार्ड फॉर हीज शोज. और सर्कल्स में हमें पता है कि शोज होते हैं अलग अलग तरह के, तो उसकी वो प्रैक्टिस करता रहता है, ठीक है. ही कैन परफॉर्म ऑन अ हाई स्विंग. और जैसे कि कैसे
जो जोकर होता है वो किस तरह साइकिल चलाते हैं, ऐसा सब करते हैं, तो वो ऐसे परफॉर्म करता है वो उस पर। ही कैन राइड अ मोनोसाइकिल, और मोनोसाइकिल मतलब वो होता है जैसे कि बिना सीट के, जैसे आप जैसे कि सर्कस में कैसे साइकिल चलाते हैं हम, कैसे सर्कल में जोकर लोग ऐसा सब साइकिल चलाते हैं, उसे हम मोनोसाइकिल बोलते हैं। ही कैन वॉक ऑन अ रोप एट अ ग्रेट हाइट, अब बहुत ऊंचा जो एक रोप होता है ना उस पर वो चलता है बैलेंसिंग करके। बट ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स, लेकिन वो राइड हॉर्स पे नहीं घूमता। ही कैन नॉट जम्प दो फायर रिंग, और वो फायर रिंग जो होती है ना, जैसे कि फायर रिंग नहीं होती, मतलब एक ऐसी रिंग होती है उस पर फायर लगाते, तो उस पर वो नहीं जंप कर पाता, उस पर से सब जंप करते हैं वैसे नहीं कर पाता। ही कैन नॉट प्ले ट्रिक्स लाइक जोकर, और वो जोकर की तरह नहीं कर पाता है। तो हमें ये यहाँ पे हमें ये बताया गया कि यहाँ इस वाले पैसेज में हमें ये बताया गया है कि जॉन क्या कर सकता है, ठीक है। और इस वाले पैसेज में हमें ये बताया गया कि जॉन क्या क्या नहीं कर सकता है, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। ही कैन परफॉर्म ऑन हाई स्विंग, ओके। ही कैन राइड अ मोनोसाइकिल, तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं अच्छी तरीके से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्या कर सकता था, ये मैं तो वो जो है एक हाई स्विंग होती है उस पर परफॉर्म कर सकता है, और मोनोसाइकिल भी चला सकता है, और जो है एक बहुत ऊंचे जो रोप होती है उस पर भी चल सकता है। और वो क्या नहीं कर सकता, जॉन क्या नहीं कर सकता, तो जॉन जो है वो एक हॉर्स पे राइड नहीं कर सकता, जॉन जो है वो एक फायर रिंग में जंप नहीं कर सकता, वो अलग अलग ट्रिक्स नहीं दिखा सकता, ओके। सो ये सब जॉन नहीं कर सकता, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज, ओके। यहाँ पे हमें एक ना एक्सरसाइज दी गई है जिसमें हमें कुछ लिखना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। वर्क इन ग्रुप्स, लिस्ट फाइव डिफरेंट वेज इन विच यू कैन एंड कैन नॉट यूज रूलर, थिंक डिफरेंटली, यू कैन राइट मोर आंसर्स एंड पुट देम ऑन दिस नोटिस बोर्ड। अब हमें यह क्या करना है कि हम रूलर, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे हम रूलर बोलते हैं, यानी कि स्केल, माप पट्टी, ठीक है, इसे हम माप पट्टी बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ये इसको बताया, तो इसे हम माप पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो हम माप पट्टी से क्या कर सकते हैं वो लिखना है, क्या नहीं कर सकते। जैसे कि वी कैन नॉट ड्रॉ सर्कल विद अ रूलर, हम रूलर से जो है एक सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते, और हम रूलर से लाइन बना सकते हैं, तो ये सब हम रूलर से क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप सबको तो पता ही होना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो लिखना होगा, ओके। अपने आप यू आपको अपनी आप ही लिखना है, और 15 सेंटीमीटर की स्केल, वैसे भी स्केल भी नहीं लेंगे, फिर भी आपको लिख तो देंगे ही, आप इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें है ना आपके जो पेट होता है ना डॉग, उसके आपके लिए क्या क्या काम करता है वो सब लिखना है। तो आप हम ये इसे कंप्लीट करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल राइट। सो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से इसका पूरा पैराग्राफ हम कंप्लीट कर देंगे, ऑल राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हमें यहाँ पे एक है ना एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें जो एक स्टोरी है ना वो उस एक छोटी से डायलॉग्स दिए गए जो हमें लिखना है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे पहले इस पूरी जो है पैसेज को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, पिंकी सैड दैट आई एम अ हंगरी मम्मा, कि पिंकी अपनी मम्मी को कहती है कि मैं बहुत भूखी हूँ। कैन यू गिव मी सम बिस्किट्स, क्या आप मुझे थोड़े से जो बिस्किट्स होते हैं वो दे सकते हैं। मम्मी बोलते हैं हियर दे आर, हाँ यहाँ पे है वो। पिंकी, थैंक यू मम्मी, धन्यवाद मम्मी, यहाँ पे एक डायलॉग लिखा हुआ था, वैसे यहाँ पे भी हमें कुछ दिया जाएगा। नाउ नयाना, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल, यानी मेरे पास मोबाइल है ही नहीं,
कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकती हूँ? मीना सेड नो सॉरी, नहीं आप नहीं कर सकती, सॉरी हम। नयना बोलती है कोई बात नहीं, इट्स ओके, वर्क इन पेयर्स कंप्लीट द एनेक्ट एट दिस डायलॉग्स। अब हमें डायलॉग्स को कंप्लीट करना है, जैसे कि इसमें हमें लिखा है यू सेड आई डोंट हैव मनी, आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट, कैन यू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैन यू गिव मी सम मनी। ओके, तो वही आपको यहाँ पे जो है लिखना है, योर सेंड यस यस हियर दे आर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड। ओके, यहाँ पे हमें ये लिखना है, जैसे कि मैं आपको लिख के बता देती हूँ कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया है कैन यू गिव मी सम मनी, ये योर फ्रेंड सेड यस हियर दे आर यू सेड थैंक यू फ्रेंड। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं, पेज नंबर इज 9। ओके, यहाँ पे हमें बोलना है रश्मि सैड माय स्कूटी हैज अ प्रॉब्लम टुडे, आई वांट टू गो टू मार्केट, यानी रश्मि बोलती है मेरी स्कूटी जो है ना वो खराब हो गई है तो मुझे आज मार्केट जाना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कैन आई यूज योर स्कूटी, कोमल बोलती है नो सॉरी, अब रश्मि बोलती है बट इट इज अर्जेंट, लेकिन ये अर्जेंट है जैसे कि मैं आपको लिख कर बता ही देती हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, अब हमने जो है इतना जो मैंने आपको सब बता दिया, तो आप जितना भी मैंने आपको लिखवाया है ना आज, वो सब आप कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। ओके, और आप अपनी वर्कबुक जो है वो भी भर डालिए जितना भी आपको अपनी वर्कबुक में आता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।